करनाल पुलिस ने एक शातिर चोर को काबू करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि इस चोर पर कई मुकदमे दर्ज हैं और यह जमानत पर रिहा होकर आया हुआ है। बताया जा रहा है कि चोर इतना शातिर था कि अकेले ही चोरी की वारदातों को अंजाम दे देता था। चोर अपने पास एक मास्टर चाबी रखता था। पूछताछ के दौरान आरोपी से खुलासा हुआ कि आरोपी ने जिला करनाल में करीब 23 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिस संबंध में आरोपी के खिलाफ करनाल के अलग अलग थानों में घरों से चोरी, मोटरसाइकिल चोरी व मोबाइल चोरी के कई मामले दर्ज हैं, जिनमें से करीब 8 मामलों में आरोपी 4 साल की सजा काटकर 2019 में जेल से जमानत पर बाहर आया हुआ था। जेल से बाहर आने के बाद आरोपी ने 15 वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया। आरोपी ने सेक्टर 3 करनाल की एक फैक्ट्री से 5 लाख रुपए की चोरी की वारदात का भी खुलासा किया है और आरोपी द्वारा अकेले ही इन सभी वारदातों को अंजाम दिया गया। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए आरोपी अपने साथ एक मास्टर चाबी रखता था। आरोपी किराए पर रहता है और एक पते पर केवल 3-4 महीने ही रहता है, फिर अपना पता बदल लेता था। बता दें कि CIA1 की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि संदीप उर्फ बच्ची निवासी गांव शेखपुरा सुहाना, जो कि एक पेशेवर से चोर है, वह देह विजिदा की तरफ से करनाल की ओर आ रहा था, जिसके पास एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल व अवैध कट्टा है, जिस पर पुलिस टीम ने ब्रह्मानंद चौक पर नाकाबंदी की और आरोपी को वहां आने पर काबू कर लिया, जिसके कब्जे से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल मार्का स्प्लेंडर प्लस व एक लोडेड अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस अब आरोपी का रिमांड हासिल करेगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी से अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।